तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते बिहार में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हूं अभी कम्बाला हिल के पास में जो अलमाटी रोड पर जो 27 मंजिला इमारत जो दिख रहा है, ये मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी का घर है, जो भारत का सबसे प्रथम व्यक्ति है, सबसे अमीर व्यक्ति में से एक है। तो यही उनका बिल्डिंग है, हालाँकि मैं आपको पास में भी ले जाकर दिखाऊँगा। फिलहाल मैं यहाँ से बता दूँ इस बिल्डिंग की विशेषताओं को। आप देख रहे होंगे इस बिल्डिंग में अलग अलग डिजाइन है, जितने भी मंजिल है 27 मंजिल है, हर मंजिल का अलग अलग डिजाइन है, एक डिजाइन का कोई भी बिल्डिंग नहीं है, सारे के सारे अलग अलग डिजाइन से बनवाया गया है। और तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मुकेश अंबानी का पिता का नाम धीरू भाई अंबानी था, और धीरू भाई अंबानी का दो लड़का था, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। दोनों के दोनों भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। तो हम लोग मुकेश अंबानी के जानते हैं, रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी। उनके फैमिली के बारे में बता दूँ, उनकी पत्नी का नाम नीता अंबानी है, उनके तीन बच्चे हैं, लड़की है निशा अंबानी और लड़का आकाश अंबानी और अनंत अंबानी है, जिनके साथ मुकेश अंबानी जी यहाँ रहते हैं। और उन्होंने अपने फैमिली के लिए काफ़ी शानदार मकान को बना रखा है। इसके सामने आपको लोथा बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा होगा। और फिलहाल हम आपको मुकेश अंबानी जी के घर के पास में ले जाके दिखाते हैं कि वहाँ से किस तरह से नज़ारा। मुकेश अंबानी जी के घर के आसपास में आपको एक से बढ़कर एक शानदार बिल्डिंग भी दिखाई दे देगा, देख सकते हो, क्योंकि ये एरिया जो है इसे कम्बाला हिल के नाम से जाना जाता है और काफ़ी महंगा भी है। फिलहाल अभी हम मुकेश अंबानी जी के घर के सामने आ गए हैं। सामने से वीडियो करना अलाउ नहीं है, इसलिए हम साइड से आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी शानदार बिल्डिंग के इन्होंने बना रखा, देख सकते हो, काफ़ी ऊँची बिल्डिंग है यार, काफ़ी शानदार है। और पौधा भी, पेड़ भी लगा रखे हैं, और घर पर पौधा भी है जो ऑक्सीजन देने का काम करता है। और देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी भी अवेलेबल है, काफ़ी सारा सिक्योरिटी है यहाँ पे, बिल्कुल रोड के कात में ही बना हुआ है। ये अलमाटी रोड पर बना हुआ मुकेश अंबानी जी का इंटीरियर हाउस है, जो काफ़ी मुंबई में प्रचलित है। और देख सकते हो काफ़ी हरा भरा भी है इनके घर के आसपास, और सिक्योरिटी भी यहाँ काफ़ी टाइट है। मुकेश अंबानी जी सबसे ज़्यादा अपने सिक्योरिटी के ऊपर ही खर्चा करते हैं, क्योंकि इसमें लगभग 600 वर्कर काम करते हैं। 27 मंजिल इंटीरियर में टोटल 27 कर्मचारी काम करते हैं, जिसको आप मैनेजर ही बोल सकते हैं। और प्रत्येक मैनेजर के सैलरी की बात की जाए तो 2 करोड़ रुपया है, और बाकी बात जितने भी कर्मचारी है, किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 5 लाख, इस तरह से डिवाइड किया गया है। और हर फ्लोर पर कर्मचारी रहते हैं, उसी के लिए यहाँ से सामान पहुँचाया जाता है। वहाँ पे गाड़ी लगा हुआ है और लिफ्ट के माध्यम से सामान को ऊपर पहुँचाया जाता है। और देख सकते हैं ऊपर लिफ्ट से सामान जा रहा है, हर फ्लोर पर जाके वो सामान को छोड़ देता है। देख रहे हैं किस तरह से ऊपर ले जाया जा रहा है, इसी तरह से हर फ्लोर में सामान को पहुंचाया जाता है, ताकि किसी को और परेशानी ना हो। और हालांकि इसमें 600 वर्कर काम करते हैं, और काफ़ी वो लोग इस मकान को देख रेख करते हैं, और काफ़ी खूबसूरत भी गगनचुम्बी इमारतें आपको दिखाई दे रही होगी। पूरा ऊपर में बादल आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, इतनी ऊँची इमारतें हैं। और मैं बता दूँ दोस्तों, इसमें टोटल 27 मंजिल है, और 27 मंजिल में 8 मंजिल पर सिर्फ मुकेश अंबानी जी का कार्य रहता है, और बाकी बात कर्मचारी लोग रहते हैं। मुकेश अंबानी जी के बाद वर्तमान में अभी 168 कार है, जिससे वो घूमते हैं, और टोटल के टोटल वाटर प्रूफ कारें हैं। और देख सकते हो काफ़ी वहां पर सिक्योरिटी अवेलेबल है, और उनके पास फौजियों वाला गाड़ी है, जो अगर किसी प्रकार का अटैक होता है तो तुरंत उसको पकड़ लिया जाए। देख सकते हो वहाँ पे ये फौजी वाली कार है, हम आपको एक बार जूम करके दिखाते हैं। पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया, और यहाँ पे पीला रंग का दिखाई दे रहा होगा जो बूथ टाइप का बनाया गया है, उसमें पुलिस वाले बंदूक लेकर हमेशा तैनात रहते हैं, ताकि कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत आए तो तुरंत फायरिंग कर लेंगे। तो 24 आवर्स अलर्ट रहते हैं ये लोग। और मुकेश अंबानी जी के घर के फैसिलिटी की बात की जाए दोस्तों, तो मैं बता दूँ इसमें काफ़ी सारा सुविधा अवेलेबल है। इसमें एक शेविंग पूल है, जिसमें वो स्नान करते हैं, और वार रूम भी है, 3 हेलीपैड है, एक बहुत बड़ा मंदिर घर बनाया गया है इसके अंदर में, और बहुत ही बड़ा गार्डन है इसके अंदर में, जो आपको दिख रहा होगा मकान के आगे हरी हरी दिखाई दे रही है। इसी तरह से अंदर में एक गार्डन भी है। होम थिएटर है, जहाँ पर एक साथ 50 लोग
देख सकते हैं। काफ़ी सारी सुविधा अवेलेबल है, इसमें जिम भी है, योगा सेंटर भी है, डांस क्लास भी इसमें चलता है, डांस स्टूडियो उसमें है, और काफ़ी शानदार चीज़ है, काफ़ी अवेलेबल है इसमें, हर एक चीज़ सुविधा से अवेलेबल है इसमें। मुकेश अंबानी ने हर चीज़ को ध्यान को रखते हुए काफ़ी लग्जरी घर को इन्होंने बनवाया है, किसी भी चीज़ का इसमें कमी नहीं है, हर एक चीज़ अवेलेबल है, जो बाहर होता है वो अंदर में हर एक चीज़ अवेलेबल है। और देख सकते हो घर के आगे से कितनी शानदार नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा, और गगनचुंबी इमारतें हैं और काफ़ी शानदार लग रहा है। तो दोस्तों, मुकेश अंबानी के कार कलेक्शन के बारे में बोले तो अभी इनके पास टोटल 168 कारें हैं, जो बिल्डिंग के 7 फ्लोर में सिर्फ कारें ही अवेलेबल रहता है, और काफ़ी महंगा लग्जरी कारें सब है, सारे के सारे वाटरप्रूफ कार है, और जिनमें से सबसे महंगी जो कार है इनके पास 13 करोड़ का है, रोल्स रॉय, और दूसरी कार मर्सरीज है, 5.5 करोड़ का है, और सारे के सारे कारें इनके करोड़ों में है। तो मैं एक एक करके गिनाऊँ तो काफ़ी समय लग जाएगा। और मुकेश अंबानी ने काफ़ी नाम कमाया है, और इनको सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है, भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है, पूरे विश्व की बात की जाए तो ये 8वें नंबर पे है, और एशिया में बात की जाए तो ये 1 नंबर पर है, एशिया में सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। इनके पास काफ़ी संपत्ति है, एक दिन का खर्चा इनका करोड़ों में है, तो मुकेश अंबानी काफ़ी बेशुमार व्यक्ति हैं। तो ये था मुकेश अंबानी जी के एंटेलिया हाउस के बारे में, हमने हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश की, मैंने हर एक जानकारी इसमें शेयर किया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।